आप लोग इसमें क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोगों को थंबनेल में मिल गया होगा ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोगों में से सिर्फ ये पाँच परसेंट कर पाएंगे और वास्तव तो में ये पाँच परसेंट ही कर पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है इसमें कई सारे लोग इसको नहीं कर पाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या आएगा ये क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा जैसे कि आप ये देख रहे होंगे लाइन बनी हुई है यहाँ पे बहुत लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पूछा जाएगा जैसे कि आप सभी लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो तो मैं आपको फिर से एक बार पूरा क्लियर दिखा देता हूँ जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या होगा तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन होगा किस तरीके से हो सकता है तो मैं आपका टाइम स्टार्ट करूँगा और आप लोग बताना होगा आंसर यहाँ पे कि किस तरीके से आंसर यहाँ पे करना है लेकिन मैं आपको इससे पहले मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर रेज हैंड का फीचर आता है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि रेज हैंड का फीचर रेज हैंड का फीचर मतलब क्या होता है जैसे आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं डाउट को और यहाँ पे कई सारे फीचर है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट सिलेबस हो जाता है डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाते हैं यानी कि जो भी डाउट है आपके डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं ई नोट्स है यानी कि पी मिल जाती है आपको जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है आपका एकॉानिक बैच आ रहा है आपका एक अक्लब बैच आ रहा है जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मुझे तो मैं रीजनिंग आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं और अगर आप लोग प्लस कोर्स लेना चाहते हो तो मैं टैक्सा कोड का यूज भी कर सकते हैं जिससे आपको दस का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं तो चलिए खैर आप लोग यहाँ पे आप लोगों का मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ क्लास का यानी कि यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ दस सेकंड मिलेंगे क्योंकि आप पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं और अभी तक देख ही रहे हैं खैर लेकिन मैं आपका बस दस सेकंड का एक टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब Ten, nine, eight, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने आंसर दिया होगा और देखा होगा कि यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को करना है अब मैं आपको बताता हूँ इसे सॉल्व किस तरीके से करना है क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी आसान क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं था बिल्कुल सिंपल तरीका था इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा यहाँ चार लिखा हुआ है देखिएगा ध्यान से देखिएगा ये चार लिखा हुआ है ये दो लिखा हुआ है तो चार और दो कितना होता है छः होता है इसका आधा कितना आएगा तीन हो जाएगा ठीक ना इसका आधा तीन हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से देखिएगा पाँच और तीन आठ हो जाता है ठीक है ना और एक एक कितना होता है दो होता है तो एक आठ और दो कितना हो जाएगा दस हो जाएगा ठीक है ना दस का आधा कितना होगा पाँच हो जाएगा ठीक है क्लियर समझ गए आप लोग इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे जोड़िएगा छः और एक सात सात और दो नौ नौ अब यहाँ पे जोड़िएगा इनको तो तीन तीन छः छः और सात नौ और सात कितना हुआ सोलह हुआ इसका आधा कितना हो जाएगा आठ आ जाएगा ये ठीक है समझ पा रहे होंगे यहाँ पे इसी प्रकार से आप ये देखिएगा क्वेश्चन को सात और दो कितना होता है नौ होता है और चार और तीन सात होता है नौ और सात कितना होगा आप फिर हो जाएगा फिर उसका आधा करके पे लिख दोगे मतलब क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे जो मिडिल में है यानी जो ये चल रही है लाइन ये वाली जो लाइन चल रही है ये क्या हो रहा है दोनों ओर के जोड़ के उसका आधा बन रहा है ठीक है ना ये जोड़ दिया ये जोड़ दिया फिर उसका जोड़ के आधा कर दिया जो वो आंसर आ गया इसी प्रकार से आप क्या करोगे इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो नौ और तीन कितना हो जाता है बारह हो जाता है कितना हो जाता है बारह बारह का आधा कितना हो जाएगा अब आप सभी लोग समझ गए होंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा छः हो जाएगा ठीक है इसका आंसर छः हो जाएगा तो आप लोग इस तरीके से आंसर यहाँ पे कर पाएंगे समझ गए होंगे दोनों तरफ का जोड़ के उसका बीच का आधा कर देना है आपका आंसर सही हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा सोल्यूशन कि किस तरीके से क्वेश्चन करना था किस तरीके से नहीं करना था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और देखिए आप लोग भेजिए शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखिए वो लोग आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं मुझे उम्मीद है कि इसमें से कई सारे लोग कर भी पाएंगे और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे खैर कोशिश करिए आप किसी तरीके ले क्वेश्चन लेके आएंगे अगर आपके एग्जाम में कभी आ भी जाता है तो आप आराम से कर सकें तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट थैंक यू